यहाँ पर इकोनॉमी नहीं, नहीं अच्छी चीज़ है, उम्मीद तो यही होता है, अच्छी चीज़ है, हमारे मुल्क का एक फंक्शन है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, हम मेहमान नवाज हैं, हम अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है जम्मू में हो जाए, श्रीनगर में हो जाए। ये जब इस मुद्दे को लेकर सीनियर लीडर हमारे कहते हैं नहीं जी जम्मू में क्यों हो रही, श्रीनगर अगर अब जम्मू में होती फिर कहते श्रीनगर में क्यों नहीं हो रही, वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना मसला है, जहाँ वो करना चाहेगी वी वेलकम इट, वी वेलकम इट विद एज ए कश्मीरी आई वेलकम इट, एज ए पोलिटिकल पार्टी आई वेलकम इट, एंड मुझे उम्मीद है हमारे लोग उनको वो मेहमान नवाजी दिखाएंगे जिसके वो मुस्तहक हैं। इलेक्शन अभी दूर है, एक आखिरी सवाल है, कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं, कोई भी इलेक्शन, हम भी चाहेंगे कि हम देखिए नोबडी कैन टेक दिस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रांटेड कि होगा नहीं होगा, हम तैयार हैं एज पोलिटिकल वर्कर्स, हमारा फिर भी काम है लोगों के मुश्किल देखना और उनको हाईलाइट करना, और अगर हल कर सकते हैं हल करना। तो आखिरी सवाल, खाली इलेक्शन के लिए ही नहीं पोलिटिकल पार्टियाँ बनी हैं। लोगों ने मुझसे ये कहा कि ये सवाल ज़रूरी पूछना है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं एक पार्टी सरगर्म है, ऐसा लग रहा है कि हंग असेंबली जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो तंजीमें हैं वो इमर्ज हो रही है, तो अगर अपनी पार्टी को अलायंस करनी पड़ी किसके साथ वो अलायंस करें? देखिए मैं आपको बताऊँगा, अगर आप लोग तो पूरा देखते हैं, अब तो लगता है जितने हम फील्ड में एक्टिव हैं कोई और जमात आपने देखी? अब ये नहीं, मैं आप ऑनेस्टली नो, जब कोई जमात नहीं है तो एक्टिव कब होता है इंसान? जब उसको रिस्पांस मिलता है, जब लोगों से प्यार मिलता है। अगर पत्थर मिलते तो हम भी तो नहीं निकलते, हम भी पासे मत होते। अल्लाह के फजल से हमें लगता है जैसा हमें रिस्पांस मिल रहा है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी देयर विल बी सम इंडिपेंडेंट ऑल्सो जो हमारे साथ काफ़ी बीजेपी के साथ जाएंगे। मैंने कहा ना हम किसी भी सियासी जमात के साथ उस वक्त बात करेंगे जिसके साथ हमें उस वक्त अपने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो हम लोगों के साथ वादा करते हैं जिस वो जो जिनको सूट करेंगे और हमें ये कहेंगे कि नहीं सब हमें भी आपकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे पूरा यकीन है और उसे इम्प्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे, हम किसी भी उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। हमारे लिए कोई देखिए मैंने किसी को कोरोना बीमारी नहीं समझा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुस्तान की सालमियत में यकीन रखे, जम्मू कश्मीर की तरक्की में यकीन रखे, अमन कानून का बोलबाला चलाए, या हम किसी भी उस जमात के साथ जाएंगे जो अल्टीमेटली अमन हमें चाहिए, दिल्ली को नहीं चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, तरक्की हमारे लोगों को चाहिए, बेरोज़गारी हम